नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल ABTech में और मैं हूं ब्रजेंद्र। दोस्तों आज है 17 फरवरी और 17 फरवरी की प्रमुख खबरें जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों आज की जो पहली खबर है वो LT ग्रेड हिंदी और सामाजिक विज्ञान रिजल्ट को लेकर के है। प्रतियोगी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि LT ग्रेड हिंदी का रिजल्ट और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट जल्द से जल्द आए। इसी कड़ी में कल एक नया प्रैक्टिकल या प्रयोग किया गया। जितने भी अभ्यर्थी थे उन्होंने CM मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और राज्यपाल को ट्वीट अभियान करके उनको संदेश भेजा गया, ठीक है। और इस तरीके से प्रतियोगी छात्र चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट आए। तो यहाँ पर दिया गया है कि महीनों से रिजल्ट की आस में बैठे LT ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। हजारों अभ्यर्थियों ने रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्वीट करके अपनी व्यथा बताते हुए हिंदी सामाजिक विज्ञान रिजल्ट जल्द जारी करने की गुहार लगाई है। और दोस्तों आपको बता दें कि कल 18 फरवरी से अब तक का सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन और ये कह लें अंतिम धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी युवाओं से अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर इस आंदोलन को सफल बनाएं। LT ग्रेड हिंदी और सामाजिक विज्ञान का जल्द से जल्द रिजल्ट निकलवाने में मदद करें और इसके बाद 15 विषयों की जो फाइल शिक्षा निदेशालय पहुंचानी है उसमें भी अपनी सहभागिता जरूर दिखाएं। तो दोस्तों ये अपडेट हो गई LT ग्रेड को लेकर के। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अपडेट है शिक्षा मित्रों को लेकर के। दिया है 15 मार्च तक शिक्षा मित्रों को राहत, नहीं तो होगा आंदोलन। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने 15 मार्च तक शिक्षा मित्रों की मांगों पर निर्णय न होने की दशा में प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। संघ की रविवार को राजधानी में हुई बैठक में 2 वर्षों से शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ाने पर नाराजगी जताई है। इस संघ का कहना है कि जितने भी कर्मचारी होते हैं सरकारी, सभी का मानदेय हर साल बढ़ाया जाता है, लेकिन शिक्षा मित्रों का मानदेय 2-2.5 साल हो गए अभी तक नहीं बढ़ाया गया। ये अन्याय क्यों किया जा रहा है? सरकार को 15 मार्च तक टाइम दिया कि सरकार इस पर ध्यान दे और शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाए, ठीक है। अगले दोस्तों न्यूज़ की बात कर लेते हैं। दिया गया देश भर में 25,000 नए एकल विद्यालय खुलेंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छी न्यूज कह सकती हैं। रमाबाई अंबेडकर मैदान में रविवार को एकल अभियान की ओर से आयोजित परिवर्तन कुंभ के तहत स्वराज सेनानी सम्मेलन में 20,000 गांवों से भव्य शोभा यात्रा रमाबाई अंबेडकर मैदान पहुंची। इसमें बोला गया कि 25,000 नए एकल विद्यालय खोले जाने जाएंगे, इसका संकल्प लोगों को दिलाया, ठीक है। तो अगली न्यूज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर न्यूज अटल आवासीय विद्यालयों को लेकर के दिया गया कि अटल आवासीय विद्यालयों में होगी जापानी भाषा की पढ़ाई। आप लोग जानते हैं अटल आवासीय विद्यालय हैं जो निर्माण श्रमिकों के लिए, बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं, तो इनमें जापानी भाषा की भी पढ़ाई होगी। इसके लिए श्रम विभाग जापान के राजदूत से कुछ विद्यालयों को गोद लेने का आग्रह भी करेगा। विधान भवन में चल रहे विचार मंथन के दूसरे दिन रविवार को श्रम आयुक्त सुधीर एम बोबड़े ने इस बारे में जानकारी दी, ठीक है। तो ये जो अटल आवासीय विद्यालय होंगे इसमें जापानी भाषा की भी पढ़ाई होगी। अगली दोस्तों न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो ये आप सबके लिए एक बड़ी न्यूज हो सकती है। यहाँ पर दोस्तों मामला है BEd को प्राथमिक में एंट्री को लेकर के। एक रिट बहुत पहले डाली गई थी, ये सामने रिट देख पा रहे होंगे आप। इसका नंबर है 14548/2019, सर्विस बेंच में है लखनऊ में, ठीक है। आकाश पटेल एंड अदर्स के नाम से लगा है। हालांकि केस अभी नया नहीं है, ये केस पहली बार लिस्टिंग के लिए 20 मई 2019 को गया था और आज इस केस की पुनः डेट लगी है कोर्ट नंबर 2 में लखनऊ बेंच में, ठीक है, 17 फरवरी को। दोस्तों तो यहाँ पर मामला है BEd को प्राथमिक में एंट्री करने का। आप लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में BEd को शामिल किया गया, ठीक है। तो इस याचिका में ये कहा गया है कि जब
ऑलरेडी ट्रेंड टीचर मौजूद हैं तो ट्रेनी टीचर को क्यों शामिल किया जा रहा है। ट्रेनी टीचर का मतलब बीएड से दोस्तों, क्योंकि जब जॉब लग जाएगी उसके बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना है, इसलिए इनको ट्रेनी टीचर बीएड को कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये एक याचिका है जिसमें आज सुनवाई होनी है। कोर्ट नंबर 2 में जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी एवं जस्टिस मनीष कुमार जी हैं जो इस केस की सुनवाई करेंगे। आप लोग वकील साहब जानते होंगे, इनके अच्छे खासे वकील हैं अमित भदौरिया साहब, ये इस केस के प्रमुख वकील हैं और आज इसका केस लगा हुआ है। जैसा कुछ होगा अपडेट आपको आने वाले वीडियोस में इसकी जो भी अपडेट होगी दी जाएगी। ठीक है, वहीं पर दोस्तों अगर 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण जो सुनवाई है कल 18 फरवरी 2020 को होनी है। ठीक है, 18 फरवरी का दिन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि कल जो शिक्षा मित्रों के वकील हैं मिश्रा जी, उनके लिए अंतिम दिन होगा और अगर वो अपना लिखित सबमिशन दे देते हैं तो केस हो सकता है कल ही फाइनल हो जाए। लेकिन उम्मीद ये भी है कि यूएन मिश्रा जी के बाद एक नए एडवोकेट हैं इलाहाबाद डिवीजन के, इलाहाबाद बेंच के, ठीक, HN सिंह, वो बहस कंटिन्यू आगे कर सकते हैं। तो फिलहाल 69,000 को लेकर के भी जैसा कुछ होगा अपडेट वो कल आपको आने वाले वीडियोस में मिलेगा। अगली दोस्तों न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अपडेट है TGT PGT के 40,000 पदों पर भर्ती और असिस्टेंट प्रोफेसर के 4,500 पदों पर भर्ती के बारे में। प्रतियोगी छात्र लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो रुकी हुई भर्तियां जल्द से जल्द आएं। इसी कड़ी में प्रतियोगियों ने राज्य सरकार से 40,000 TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर के 4,500 खाली पदों को भरने की मांग की है। प्रतियोगी छात्रों ने आज़ाद पार्क में शनिवार को आम सभा आयोजित की। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रतियोगी छात्रों ने चयन प्रक्रिया जल्द शुरू करके बेरोजगारों को रोजगार देने की पुरजोर मांग की है। ठीक है, तो अभ्यर्थी तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन दोस्तों आप लोग जानते हैं कि भर्ती फिलहाल अभी आने की कोई भी संभावना नहीं है। अगली न्यूज की बात कर लेते हैं दोस्तों, बिहार स्टेट की जो परीक्षा हुई थी उसकी आंसर की जारी कर दी गई है। ठीक है, अगर आपने बिहार स्टेट की परीक्षा दी है तो आंसर की को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें चैलेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दें ये वेबसाइट है जो दी गई है, ये ऑफिशियल वेबसाइट। इसके अलावा हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर भी आंसर की आपको अवेलेबल रहेगी, वहाँ से भी इसकी आंसर की आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। आंसर की डाउनलोड करने की जो अंतिम तिथि है 18 फरवरी 2020 है। अगर आपको लगता है कि आंसर की में कुछ गलतियाँ आएँ तो आप इस पर अपनी आपत्तियाँ भी भेज सकते हैं। आपत्तियाँ करने की भी अंतिम तिथि जो है 18 फरवरी 2020 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग आंसर की डाउनलोड कर लीजिए और अपना आंसर की में अगर आपको लगता है तो आपत्तियाँ भी भेज सकती हैं। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर अपडेट है APO प्री भर्ती को लेकर के। लेकिन दोस्तों UPSC लोक सेवा आयोग से जो भी भर्तियाँ के एग्जाम होने वाले हैं ये सभी प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए एक न्यूज हो सकती है, क्योंकि दोस्तों लोक सेवा आयोग जिस तरीके से प्रश्न पूछने के अपने तरीके में बदलाव किया है ये सभी भर्तियों पर लागू होगा। अभी हाल ही में एक भर्ती है का एग्जाम है जिसको हम लोग जानते हैं BEO खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती है। इसके अलावा और कई सारी भर्तियां हैं तो ये भर्ती के लिए जरूर वीडियो देखें इसमें, क्योंकि क्या लोक सेवा आयोग बदलाव कर रहा है। अगर दोस्तों आपने प्रारंभिक परीक्षा PCS 2019 का एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि जो लोक सेवा आयोग है उसने सबसे ज़्यादा प्रश्न कूट वाले प्रश्नों थे उसमें। ठीक है, युग्म और कूट को सुमेलित करना था। अधिकतर प्रश्न इसी तरीके से पूछे जा रहे हैं, PCS में भी थे और APO का जो एग्जाम हुआ है अभी फिलहाल कल, इसमें भी इसी तरीके से प्रश्न पूछे गए। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रश्न थे जो कूट वाले थे, तो लोक सेवा आयोग ने बदलाव किया है। आप लोग भी कूट वाले प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करें, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हितकारी होगा। तो फिलहाल ये अपडेट है। ठीक है, आप लोग जानते हैं BEO की परीक्षा 22 मार्च को है तो इसको भी आप लोग उसी तरीके से अपना तैयारी करिए। अगली न्यूज की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर अपडेट है UPTT 2019
विवादित प्रश्नों पर सुनवाई को लेकर के। दोस्तों यूपीटीटी 2019 में जो विवादित प्रश्न है उस पर आज सुनवाई होनी है 17 फरवरी को। केस नंबर आप देख पा रहे होंगे कि 3659/2020 है, इसकी सुनवाई आज 17 फरवरी को लगी है। जैसा कुछ होगा अपडेट आपको शाम तक इसके बारे में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये आज की प्रमुख अपडेट थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।